Hello, educarians. How are you all doing? Hello, everybody. How are you all? मैंने सोचा कि यार कल दिवाली है, पेंडिंग हमारा वैसे ही ठीक नहीं आ रहा है जो न्यूज़ है, और आज का न्यूज़पेपर भी मार्क पता नहीं हो पाएगा. नहीं तो ये जो बन गया है ना, ये मैं लाइव कर देती हूँ. पता है तुम लोग बिजी हो गए, दिवाली है, बट हम लाइव कर देते हैं. जो आएंगे वो ठीक देना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं. जो भी अगर कोई लाइव है मेरे साथ, वो मुझे एक बार ये बता दें कि क्या मैं ऑडिबल हूँ या नहीं. बस इतना बता दो मुझे, एम आई ऑडिबल और नॉट. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट बीइंग. दिवाली के बाद, आई थिंक दिवाली कल है, कल के बाद आई विल बी रेगुलर. बस यार कुछ ना कुछ होता ही है, और आजकल तो डेंगू फैला हुआ है और वो भी रखा है, ठीक है? तो इसलिए घर के सारे काम मेरे पर आ रखे हैं, करने पड़े, समझा करो, ठीक है? चलो साथ में पढ़ेंगे. ऑडिबल अलीशा अरोड़ा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. चलिए स्टार्ट करते हैं. वीकली कंपाइलेशन होती है द हिंदू की, ये हमारी, ये है पार्ट 2. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट 3 और 4 भी होगा. एंड पूरा पूरा कंप्लीट हम रिविजन करते हैं. यहाँ पे हम MCQs के फॉर्मेट में मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, एंड प्लस पॉइंटर्स में भी कवर होता है. तो ये क्या है कि रिविजन भी हो जाती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमें पता चल जाते हैं. हर एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है? तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को, ठीक है? एंड इफ़ यू वांट टू बाय दीज, लाइक आपको PDF ख़रीदने हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल आप ख़रीद सकते हैं. हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. एवरीबडी वेलकम. पूजा पाल, आयुष ओझा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. नेम द आप मिनिस्टर इन दिल्ली क्विट ओवर अटेंडिंग बुद्धिज्म कन्वर्जन सेरेमनी. तो बुद्धिज्म की कन्वर्जन सेरेमनी अटेंड करी इन्होंने, एंड इवेंचुअली इनको, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, तो इसलिए उनको क्विट करना पड़ा. और ये BR अंबेडकर की जो ले, मतलब जैसे उन्होंने किया था नागपुर में, उन्होंने कन्वर्जन कन्वर्ट हुए थे वो बुद्धिज्म में. अब उन्होंने बुद्ध रिलीजन को अडॉप्ट किया था. तो यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम हैं जो आपके मिनिस्टर, तो वो पार्ट हुए थे मास कन्वर्जन हुए, एंड उन्होंने रिजाइन कर दिया अब, ठीक है? उसके बाद विच हु रिलीज हिज 24th बुक अ बायोग्राफी ऑफ द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अम्बेडकर, टाइटल अम्बेडकर अ लाइफ. इट इज शशि थरूर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो यार, शशि थरूर की आप वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्यूज उठा के देख लो, एग्जाम के उठा लो, आपको दिखेगा कि अगर शशि थरूर ने कोई बुक लिखी है तो बार 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 आती हो, ऑन रिपीट हर साल आपको ये क्वेश्चन दिखता है. और क्योंकि इस साल तो उन्होंने नई बुक लिखी, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो क्या आंसर है इनका, शशि थरूर. अब आगे चलेंगे. एंड ऑल वुमेन आर्म्ड पुलिस कंटिजेंट अफोर्डेड द गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है? गार्ड ऑफ ऑनर दिया, और गार्ड ऑफ ऑनर तो चलो मिलता ही है प्रेजिडेंट को, बट ऑल वुमेन था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ऑल वुमेन था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, अक्टूबर 2022 के अंदर ऐसा हुआ. कहाँ पर मिला, चंडीगढ़, ठीक है? चंडीगढ़, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि एयरफोर्स डे की परेड हुई. अगरतला, शिलोंग, नन ऑफ द अबव. आंसर है अगरतला, बी इज द आंसर. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके बाद रेलवेज एम्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2040, 2030, 2020, 2010. मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसमें इस बार आर्मी ने भी बोला है कि हम स्टेप्स लेंगे जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है, व्हीकल्स जो हैं, हम उसके अंदर चेंज लेकर आ सके ज़्यादा से ज़्यादा. और रेलवे ने तो कमिट कर दिया कि हम जीरो कार्बन एमिशंस कर देंगे. तो वो कब तक करेंगे, 2030, बी इज़ द आंसर. एंड दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आर्मी हैज़ पुट इनटू अ प्लान अ रोड मैप टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेयर एवर पॉसिबल. EVs लेकर आएगी आर्मी. इंडियन रेलवेज हैव डिसाइडेड टू रिप्लेस इट इन इट्स इंटायर फ्लीट ऑफ ओन्ड हायर्ड एंड लीज कार्स रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है ना? तो उनके यहाँ पर इंडियन रेलवेज को कहते हैं, हम पूरी की पूरी जितनी भी हमारी कार्स का फ्लीट है उसको चेंज करके किस में कर देंगे, EVs में कर देंगे. इन इट्स EV पॉलिसी, और रेलवेज अपनी EV पॉलिसी भी लेकर आया. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवेज अपनी पॉलिसी भी लेकर आया है. फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉट बियर डे. अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम वर्ल्ड स्लॉट बियर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है. क्या करा जा रहा है, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए दिस डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इम्पॉर्टेंट 12th अक्टूबर को ये पहली बार डे जो है ये सेलिब्रेट करा गया, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है. नाउ वाज ऑब्जर्व टू जनरेट अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एफर्ट्स अराउंड द यूनिक बियर स्पीशीज एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन द ऑन द IUCN रेड लिस्ट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से हमारा पॉइंट क्या बनेगा, सबसे पहले तो वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे कब होता है, नंबर वन क्वेश्चन हमारा ये बनेगा. नंबर टू क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, नंबर टू क्वेश्चन जो हमारा ये बन सकता है, वर्ल्ड जो स्लॉथ बियर है वो कौन सी, अरे तो टिप्स दे रहे हैं आप, नहीं चाहिए हमें टिप्स, कैसे बंद हो. ओके नाउ वी आर गुड टू गो. ओके एक मिनट रुको, यहाँ पर हम ऐसा करें ये डिस्टर्बेंस ना हो, एक मिनट स्टार्ट करेंगे. हाँ अब मैं सही हूँ. चलिए अब यहाँ पर IUCN की रेड लिस्ट के अंदर ये है, ठीक है ना, ठीक है. एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, 90% ऑफ द स्पीशीज कहाँ पे मिलती हैं वर्ल्ड की, इंडिया में मिलती हैं, ठीक है ना. सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में. तीन पॉइंटर्स बस डन. आगे चलेंगे, विच कंट्री डिपोर्टेड नोवाक जोकोविच फॉर नॉट, अगर तुम्हें भी प्रोनाउंस करना नहीं आता मैं सीख लिया, जोकोविच होता है इनकी, डीजे नहीं बोलते, जोकोविच. ओके फॉर नॉट बींग वैक्सीनेटेड फॉर COVID-19, तो ऑस्ट्रेलिया ने इनको वापस भेज दिया था कि भैया तुम वैक्सीनेटेड नहीं हो, ठीक है, तो तुम जाओ. अभी नहीं, अभी तो उनको बुला रहे हैं कि आओ ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलो, ठीक है ना, बिकॉज पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है ये. अब यहाँ पे विच इंडियन डिस्कस थ्रोअर हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर 3 years बाय द एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट फॉर फेलिंग द डोप टेस्ट. डोप टेस्ट मतलब ड्रग्स पाए गए उनकी बॉडी में, कि उनकी टेस्ट हुई तो बॉडी के अंदर ड्रग्स पाए गए, तो अब उनके ऊपर कितने साल का बैन लगा है, 3 years का बैन लगा है, ठीक है, 3 years का बैन लगा है, ठीक है. डोप टेस्ट में फेल हो गए, ठीक है. अब ये कौन है, ठीक है, इट इज़ कमलप्रीत कौर, डिस्कस थ्रोअर, ठीक है. कॉमनवेल्थ के टाइम पे इनका नाम बहुत ज़्यादा आया था, जीता अभी कुछ नहीं था बट फिर भी मतलब बहुत ऊपर रैंक था, आई थिंक 6th आई थी नोबेल कॉमनवेल्थ में, नोबेल कमिटी ऑफ द. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब देखो ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही यहाँ पे लिख देती हूँ. जितने भी बच्चे CUET का एग्जाम देंगे, UG, PG कुछ भी देंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है. NDA वालों के लिए, CDS वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद आप अगर आप MA कोई भी दे रहे हो, लॉ, होटल मैनेजमेंट, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है. और आपका स्लैट वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा है, एलेट वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और SSC वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नोबेल प्राइजेस, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कौन सी कमिटी है, नोबेल कमिटी, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस जो है उसने अनाउंस किया क्या, फिजिक्स का अवार्ड, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, इसको उसको मिला एलान एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटोन जेलिंगर, ठीक है ना. अब यहाँ पे ये आपको ये याद रखना है, ये तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना. अब देखिए लेन एस्पेक्ट, ठीक है ना, एक लेन का कुछ एस्पेक्ट है, मान लो आप कहीं रहते हो वहाँ पे लेन्स बनी हुई है, एक लेन का कुछ एस्पेक्ट है दूसरी का कुछ है, ठीक है ना. जॉन एफ क्लॉज दिखाता रहता है, ठीक है, क्लॉज, ठीक है. एंटन जिंगर खाता रहता है. अब यहाँ पे जिंगर क्या है, तुमने KFC का बर्गर खाया, वहाँ पे एक जिंगर भी होता है ना, ये जिंगर के अंदर जी लिंगर, ठीक है. अब यहाँ पे कैसे याद करो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, इसका बड़ा सही स्टोरी बताती हूँ, ठीक है. अलेन के अंदर, अलेन, ठीक है, में कौन रहते थे, बहुत ही एस्पेक्ट वाले लोग, मतलब रिस्पेक्ट वाले लोग रहते थे, ठीक है. और जॉन एफ क्लॉज जो था वो उनको, जो क्लॉज था वो उनको क्लॉजेस बताता रहता था, लॉ में क्लॉजेस होते ना कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, ये कर लो, वो कर लो. और वहाँ पर एक और था एंटन, वो क्या करता था, टनों के टन, एंटन क्या करता था, टनों के टन बर्गर खाता था, कौन से, जिंगर, बड़ी जील से खाता था. जील से पता है क्या होता है, जील मतलब जो बहुत ही दिल लगा कर काम करे, तो जील इंगर, ठीक है ना, जील इंगर करता था. तो कौन सा था, अलेन के अंदर एस्पेक्ट नाम का आदमी रहता था, और जॉन उसको यहाँ ऐसे याद करते थे, अलेन के अंदर एक लेन थी, ए लेन उसका नाम था, एस्पेक्ट नाम का आदमी रहता था, जॉन उसके साथ बैठकर बातें करता था और उसको क्लॉजेस समझाता रहता था, और एक एंटन नाम का आदमी था, वो टनों के टन जिंगर खाता था और जील लिंगर खाता था, बड़ी जील से
बर्गर खाता था केएफसी का जिंगर, याद हो गया? ये क्या है? फिजिक्स की स्टोरी है। आई नो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, अरे हम बहुत बड़े हो गए हैं, ये स्टोरीज की जरूरत नहीं है। पेपर के अंदर ये स्टोरीज बहुत काम आती है, क्योंकि फिजिक्स, पीस, केमिस्ट्री, ये वो सबके याद करते करते मेडिसिन में किसको मिला था, लिटरेचर में किसको मिला था, तो ये ऐसे याद कर लो। दे हैव बीन अवॉर्डेड फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद इंटेंगल फोटॉन्स, एस्टैब्लिश द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस। देखो यार, अगर तुम पक्के वाली तैयारी करना चाहते हो तो ये भी नोट कर लो कि अगर तुम कह रहे हो कि ठीक है ऊपर ऊपर से पढ़ा दो, तो फिर जितना याद कर लिया उतना बहुत है। नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी 2022 वॉज अवॉर्डेड टू स्वांते पाबो। आपको ये भी पता होना चाहिए स्वांते पाबो के पापा को भी अवार्ड मिला था, ठीक है ना, और उनको भी नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी मिला हुआ है ऑलरेडी। ये हमने पार्ट वन में डिस्कस किया होगा, या फिर आपका जो पिछला महीना है उसके अंदर मैंने डिस्कस करवा दिया था आपको ऑलरेडी, ठीक है ना, तो वो उसमें से आप कर सकते हैं। एनी एरनॉक्स जो है उनको लिटरेचर में मिला है, ठीक है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एनी, हमें एनी फ्रैंक नाम का, तो एनी फ्रैंक की बुक तो हर लाइब्रेरी में पड़ी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एनी वहाँ से लेंगे, एरनॉक्स, ठीक है, एरनॉक्स, ओके, यहाँ पे ऐसे याद कर। टू अर इज ह्यूमन, मतलब अर का मतलब क्या होता है? एरर, ये गलती करना, वो कहते हैं ह्यूमन है, हर ह्यूमन बीइंग गलती करता है। ये नॉक्स, एरनॉक्स, एनी एरनॉक्स, ठीक है, ये इनको मिला। सक्सेस केम विद अ फोर्थ बुक, फोर्थ बुक के साथ उनको सक्सेस मिली। ला प्लेस, जिसमें अ मैंस प्लेस, जिसमें उन्होंने अपने फादर की स्टोरी, अपनी मदर की स्टोरी बेसिकली, जब उनके फादर की डेथ हुई, और भी जो उनका वर्क है वो सारा मैंने यहाँ पे जो भी मेंशन किया, ऑन हर मदर, उन्हें फेमे, अ वुमन स्टोरी, ऑन हर पास्ट, हॉन्टे, तो ये सारा आपको है अगर नोट करना चाहते। देखो यार, जो तो पक्के वाली करना चाहते हैं वो, बट यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत डिफिकल्ट है। नॉर्मली नाम ही पूछा जाता है कि किसने जीता है, ठीक है। हु वॉज नेम्ड FIH मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द सेकेंड सक्सेसिव टाइम। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैं तुम्हें बता देती हूँ किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, और नोबेल प्राइज DU वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है 2023 वालों के लिए। ये वाला भी सभी CU वगैरह जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, NDA CDS, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह को मिला है FIH मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर है, देखो यार, पहले तो तुम अपने नोट्स में ये लिखोगे कि इनको FIH, एक मिनट, FIH मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ये हमारे नोट्स में होना चाहिए। और जो सेकेंड पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सक्सेसिव, सेकेंड सक्सेसिव टाइम, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ऑब्वियसली नाम तो इम्पॉर्टेंट, हरमनप्रीत, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। अब इस नाम में तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इंडियन नाम है। चलो, द पंजाब लखनऊ सुपर जाइंट्स मेंटर गौतम गंभीर जो हैं, जो लखनऊ सुपर जाइंट्स के मेंटर हैं, अब वो डर्बन सुपर जाइंट्स के भी, जो साउथ अफ्रीका का IPL की एक टीम है, के भी मेंटर है। चलिए आगे चलेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ऑन वेनसडे क्वैश 2 सेपरेट FIRs रजिस्टर्ड बाय द पंजाब। अब यहाँ पे दो लीडर्स के दिन तजेंद्र पाल और कुमार विश्वास के अगेंस्ट, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए FIRs हो रही थी, वो दोनों क्वैश कर दिए, ठीक है। गौरव यात्रा वॉज लॉन्च बाय विच पार्टी एंड इन विच स्टेट। अब यार देखो, मुझे पता है ये ट्रेंड चल गया, हर ही कोई यात्रा निकाल रहा है, तो अब हमें पता होना चाहिए कौन निकाल रहा है, कौन सी पार्टी निकाल रही है, और कोई क्या उसका मतलब पर्पस है। पूरे इंडिया में जाएंगे, पैदल जाएंगे, गाड़ी पर चढ़कर जाएंगे, कुछ अगर ऐसा स्पेसिफिक है तो पता होना चाहिए। यहाँ पे गुजरात के अंदर BJP ने गौरव यात्रा निकाल दी, जी से गुजरात, जी से गौरव, ठीक है, और BJP ने निकाल लिया। इंडियाज फर्स्ट स्लेंडर लॉरस हैबिटेट। स्लेंडर लॉरस क्या होता है? नॉक्टोरल, मतलब रात को जागने वाले टाइप्स या एनिमल, ये हैं मैमल्स हैं, और मैमल्स हैं, एंड द स्पीशीज एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल, अब ये क्या है, पेस्ट, कि ये क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट, कीड़े नहीं लगने देते, बहुत ही हेल्पफुल है। तो फर्स्ट आ रहा है ये इंडिया के अंदर, क्योंकि फर्स्ट है, देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर आ रहा है ये? तमिलनाडु के अंदर आ रहा है। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? स्लेंडर लॉरस, स्लेंडर लॉरस, ठीक है ना। कहाँ पर आ रहा है ये? करूर, करूर डिंडीगुल, ठीक है ना, करूर डंडीगुल। अगर हम डंडीगुल, डिंडी को जगह डंडीगुल याद कर लें तो डिंडीगुल भी याद हो जाएगा। आगे चलेंगे। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हैज बीन फॉर्म्ड टू कंडक्ट अ डिटेल्ड साइंटिफिक प्रोब इनटू द मर्डर ऑफ 2 वुमेन। अब यहाँ पे क्या हो गया, केरला के अंदर क्या होने लग गया, ह्यूमन सेक्रीफाइस होने लग गए, लोगों को कहने लग गए, मतलब कोई भी कह देता है अगर तुम 2-3 मार दोगे ह्यूमंस, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो लोग पकड़ पकड़ के ह्यूमंस को काट रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, उसको कौन हेड कर रहा है? BG बालाकृष्णन, रंजना देसाई, शशि थरूर, S. शशि
धरन, इट इज डी इज द आंसर, एस थसी धरन. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर हुआ है? इलैंथूर, 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 ये आपको पता होना चाहिए. ह्यूमन सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं यहाँ पे, पथाना मथिता, ठीक है, केरला के अंदर बेसिकली. आगे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कमिटी अगेंस्ट. अब यार ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट 2018 का इंडिया रैंक लो इन ग्लोबल इलिसिट ट्रेड, मतलब जो नकली सामान जो इधर बेचते हैं वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्या बेचा जाता है नकली. दिस इंक्लूड्स मोबाइल फोन्स, फास्ट मूविंग गुड्स, हाउस होल्ड एंड पर्सनल गुड्स. तो ये जो हम गुच्ची का नकली सामान वामान लेते हैं वो कहते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस 2018 इंडिया रैंक लो इन द ग्लोबल इलिसिट ट्रेड इन्वायरमेंट इंडेक्स. ठीक है, इंडिया का रैंक 35 था. तो ये हमें ये रैंक याद करना ज़रूरी है. आगे चलेंगे, मनी रत्नम्स पोनियन सेल्वन वन इज बेस्ड ऑन विच डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी पे बेस्ड है? गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, मुगल, नन ऑफ द अबव. आंसर इज चोला डायनेस्टी. मनी रत्नम्स, ठीक है, चोला डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड है. फ्रॉम 850 टू 1279 AD तक थी ये डायनेस्टी. फ्रॉम विजयलाया आदित्य वन टू राजेंद्र थ्री. तो ये किंग्स के नाम है कि पहले कौन था और एंड में कौन कौन, कौन सा वाला बाय बाय कह के गया. ठीक है, एंड में या लास्ट कौन था ये हमें पता होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वी नीड टू नो. ठीक है, अब आगे चलेंगे, इन विच ईयर डी मोनिटाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया. अच्छा, लाइव है, मुझे लगा कोई भी लाइव नहीं है. मैं देखा ही. चलो बताओ शशांक, तुम बता दो, डीमोनेटाइजेशन कौन से साल में हुई थी इंडिया के अंदर? 2016 में हुई थी, 1946 में हुई थी, 1978 में हुई थी. ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है. ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है. ठीक है, इन तीनों ही सालों में डीमोनेटाइजेशन हुई थी. आई नो आपको लगेगा 2016 में हुई अकेले, नहीं, 1946 और 1948 में भी, 1978 के अंदर भी डीमोनेटाइजेशन हुई थी. यस, नोटबंदी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. अब यहाँ पर फ़र्क क्या है? जो 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुई वो 500 और 1000 के नोट्स की हुई थी, है ना. डीमोनेटाइजेशन जो 1946 और 1978 के अंदर हमारी जो डीमोनेटाइजेशन हुई वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू हुई थी. के थ्रू हुई थी, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू हुई थी. मतलब पार्लियामेंट में पूरी डिबेट हुई थी कि ऐसा होना चाहिए या नहीं. जैसे एक लॉ पास होता है वैसे लॉ पास हुआ. बट जो 2016 की हमारी डीमोनेटाइजेशन हुई वो आरबीआई के अंदर, एक आरबीआई के एक्ट के अंदर, ये पढ़ लेते हैं, इट वाज डन थ्रू अ मैन नोटिफिकेशन इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. तो ये जो डिफरेंस है, इसके अगेंस्ट केस किया हुआ है कि कोर्ट डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये लीगल था जो 2016 के अंदर किया या इलीगल था. तो इस पे बात चली. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. आगे चलेंगे, आपको पता होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव इज आंसर. द इंडियन रेलवेज विल सून लॉन्च हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन ऑन द वंदे भारत प्लेटफॉर्म टू बी मैनुफैक्चर. वंदे भारत कहाँ पे मैनुफैक्चर हो रही है? इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री इन चेन्नई. फ्रेट का मतलब क्या होता है? कार्गो. कार्गो का मतलब सामान, जो डब्बे, ठीक है ना. वो बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल. द आंसर इज कर्नाटका, सी, कर्नाटका. तो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, तो यहाँ पे जथरा होता है. जथरा इज अ फेस्टिवल, यात्रा जिसको हम कहते हैं. तो क्योंकि अब यात्रा करेंगे तो यात्रा में लोग आएंगे तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी, एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी. तो एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि भैया या तो कम करो या फिर मत करो. तो इसलिए बंदीपुर टाइगर रिजर्व वॉज इन न्यूज़. तो आपको बता होना चाहिए कहाँ पर है. द सेंटर इन 2022 हैज़ अपॉइंटेड अ 3-member कमीशन टू एग्जामिन द सेंसिटिव इशू ऑफ एक्सटेंडिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू ऑल दोज हु हैव हिस्टोरिकली सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन दे नाउ प्रोफेस. हु इज द हेड ऑफ द कमिटी? नाउ दिस इज अ वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. एग्जाम में आएगा ही आएगा. कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, वहाँ पर यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है. आएगा ही आएगा. टिक कर ले लो. कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट ये है कि देखो यार, शेड्यूल कास्ट क्यों कौन है शेड्यूल कास्ट? वो कहते हैं शेड्यूल कास्ट वो हैं जिन्होंने अनटचेबिलिटी सहा है. ठीक है ना, कि लोग अपर कास्ट वाले कहते थे कि अरे इनको छुओ मत, ये सब कुछ जो उन्होंने सहा है. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट इज मतलब. अब वो कहते हैं कि भैया देखो, ये तो हिंदूज के अंदर था. ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ये सिख्स के अंदर भी हुआ. ठीक है, अब उन्होंने बोला, फिर इन्होंने इन लोग तो मतलब लॉ ने बोला कि ये दोनों कास्ट को, ये दोनों रिलीजन्स को जो बिलोंग करेंगे और वो दलित्स होंगे तो वो एससी होंगे. ठीक है ना, मतलब क्योंकि इन लोगों ने एक्चुअल में अनटचेबिलिटी सही है. ठीक है ना,
अब यहाँ पर मान लो कोई हिंदू सिख है और वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिस्ट बुद्ध के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो बुद्धिज्म, एक अब यहाँ पे एक मिनट, अरे यार, अगर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर भी शेड्यूल कास्ट होंगे, ठीक है। बट अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, अगर वो मुस्लिम बन गए, तो क्या वो एससी होंगे, क्या वो शेड्यूल कास्ट होंगे? क्वेश्चन इज ये, अभी का रूल क्या कहते हैं, हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, तो तुम एससी होगे, तुम्हें सबको जो भी एससी एक शेड्यूल कास्ट को जो प्रिविलेजेस देनी चाहिए वो मिलेंगी। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए या मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, क्या क्या उनके उन लोगों ने सहा नहीं है, ये क्वेश्चन है। और इसी के लिए ये कमिटी जो बिठाई गई है, तो आज की डेट में जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो कन्वर्ट हुए हैं, हिंदूज या सिख्स या किसी से भी कन्वर्ट हुए हैं या फिर वो इसमें हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि इन्होंने तो सहा नहीं, मतलब तब तो थे नहीं। बट ये क्वेश्चन है कि क्या ये सही है, बिकॉज बहुत जगह पर बहुत सारी कमिटीज़ ने बोला है कि भाई इनको भी, सिख क्रिश्चियन और मुस्लिम्स में भी जो दलित हैं उनको आपको ऐसी डिक्लेयर करना चाहिए। तो इसके ऊपर बताइए, के जी बाला कृष्णन जो हैं वो इस कमेटी को हेड करें, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी इसका आंसर है, के जी बाला कृष्णन, ओके। हम यहाँ पे आगे चलेंगे हम। अब यहाँ पे पहले भी एक जस्टिस रंगनाथन मिश्रा की कमेटी बनी थी और उन्होंने भी बोला था कि आपको हर जो भी कोई भी रिलीजन का है, अगर वो दलित है, उसको ऐसी स्टेटस आपको देना चाहिए, ठीक है ना। मेड अ कैटेगोरिकल रिकमेंडेशन इन फेवर ऑफ गिविंग एससी स्टेटस टू दलित बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स, ठीक है। आगे चलेंगे, दिमित्री मिराटोव, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें नोबेल पीस प्राइज़ की, तो इस बार जो नोबेल पीस प्राइज़ मिले हैं वो कहते हैं कि पिछली बार की तरह, पिछली बार एक रशियन को भी मिला था, ठीक है, दिमित्री मिराटोव, जिनका न्यूज़पेपर जो है रशिया वाले बैन कर रहे हैं, वो नहीं चाहते, तो एक मतलब इट इज़ वन ऑफ द फ्री न्यूज़पेपर्स इन रशिया, नहीं तो रशिया के अंदर बहुत सेंसरशिप है। सेंसरशिप का मतलब जो गवर्नमेंट कहती है वो ये लोग पब्लिश कर सकते हैं, सब कुछ ऐसे उठा उठा के पब्लिश नहीं कर सकते, राइट। तो दिमित्री मिराटोव का न्यूज़पेपर कौन सा है, नोवाया गैजेटा, और इनको 2021 के अंदर क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज, इम्पॉर्टेंट। बाद में बात करते हैं 2022 की, तो 2022 के अंदर क्या हुआ, 2022 के अंदर सबसे पहले तो मेमोरियल को मिला है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है। मेमोरियल जो है ये रशिया का है, ठीक है, रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एलास बेलियास्ट की जो है ये यूक्रेन, ये बेलारूस के हैं, बी से बेलारूस और बी में इनका नाम आ जाता है, अरे यार, बेलारूस, ठीक है। और एक मिला है सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, CCL को, ये यूक्रेन के हैं, ठीक है। अब इनकी डिटेल्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, एक मिनट को हाईलाइटर उठा लेते हैं। तो मेमोरियल इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन डॉक्यूमेंटिंग अलेज्ड स्टेट अब्यूजेस इन रशिया सिंस 1987, नोट करेंगे ये। शेयर द प्राइस विद एलिस बेलियास्टकी, बेलारूसियन एक्टिविस्ट है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन। मेमोरियल फाउंडेड इन द सोवियत यूनियन इंटरनल रिफॉर्म पीरियड हैज हैड सेवरल रन इन्स विद द प्यूटिन एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर द एनजीओ वॉज डिसबैंडेड बाय मॉस्को कोर्ट एंड लास्ट वीक अ जज रूल्ड इन फेवर ऑफ द सीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। तो क्या हुआ था, लास्ट ईयर इनको क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया था, और इस साल क्या कर दिया, इनका ऑफिस जो था वो सीज कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। ये तो मेमोरियल की स्टोरी, और मेमोरियल कब आया था, 1987 से ये शहर आया रशिया में, और ये रशिया की ही फाउंडेशन है, एनजीओ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, फिर बेलियास्टकी क्या है, फाउंडर ऑफ, ये फाउंडर है ऑफ राइट्स ग्रुप वायसना। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बी से बेलियास्टकी और बी से बेलारूस, बेलारूस किसका भाई है, रशिया का भाई है, बेलारूस और रशिया की बढ़िया बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वायसना इन्होंने ग्रुप फाइंड किया, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, हैज़ बीन कैंपेनिंग फॉर डेमोक्रेसी इन बेलारूस। तो क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं बेलारूस के अंदर सिंस 1980s, कब से फंक्शन कर रहे हैं, 1980s, ये वाला कब से फंक्शन कर रहा था रशिया वाला, 1987, ये उससे पहले का बेचारा फंक्शन कर रहा है। द CCL विच वॉज फाउंडेड टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन यूक्रेन इज ऑल्सो नोन फॉर डॉक्यूमेंटिंग रशियाज अलेज्ड वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन। अब यहाँ पे बात हो रही है CCL की, बात स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो CCL क्या है, यूक्रेन का है, और जो अलेज वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स कैसे, देखो अगर मान लो कि एक सोल्जर है वो गिव अप कर देता है कि भाई ठीक है फाइन मैं नहीं बच सकता हूँ तो मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, बट फिर भी आप उसको मारे हो तो दिस इज़ अ वॉर क्राइम। तो दे आर सम रूल्स इवन इन द वॉर, आप सिविलियंस को नहीं मार सकते, सिविलियंस कौन होते हैं, जो आर्मी से रिलेटेड नहीं होते, मे बी वो सिटीजन ऑफ यूक्रेन ही है, होंगे सिटीजन ऑफ यूक्रेन ही वो, बट क्योंकि वो आर्मी से रिलेटेड नहीं है तो वो आप उनको नहीं मार सकते, उनको मारते हो तो दिस इज वॉर क्राइम, ठीक है। तो बायलिस्टिक वॉज जेल फ्रॉम 2011 टू 2014, ठीक है, क्यों, एलेक्सेंडर लुसास्को
रिजीम था उनका व्हेन श्री, तो ये जो है ये प्रेसिडेंट बने, 6 टाइम ये प्रेसिडेंट बने, और इसने प्रोटेस्ट करी कि भाई जो इलेक्शंस है वो सही नहीं है, डिस्प्यूट क्रिएट किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो इसको 2020 के अंदर दोबारा जेल में डाल दिया गया। ही इज करंटली इन जेल विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल जेल के अंदर क्या मतलब है, हम ये बैलियास्टी की बात कर रहे हैं, मतलब कोर्ट के अंदर तो गए नहीं, कोर्ट से तो पूछा नहीं कि भाई इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं, बस सीधा जेल में डाल दिया। CCL का फाउंड हुई थी 2007 के अंदर, तो आप देख रहे हो सबसे पहले आए ये 1980 के अंदर बेलियास्टी की, ठीक है, इसने वायसना फाउंड किया। 1987 के अंदर तुम्हारा मेमोरियल आया, और फिर बहुत देर बाद 2007 के अंदर तुम्हारा CCL फाउंड हुआ। CCL जो यूक्रेन का है क्या कर रहा है, वॉर क्राइम्स जो है कवर कर रहा है यूक्रेन के लिए। रोज टू प्रोमिनेंस इन यूक्रेन 2014 प्रो वेस्टर्न मेडन प्रोटेस्ट दैट ब्रॉट डाउन द। अब यहाँ पर क्या हुआ, कब आया ये प्रोटेस्ट करी, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब यहाँ पे प्रो गवर्नमेंट, प्रो रशियन गवर्नमेंट, जो रशियन गवर्नमेंट को फेवर करता था विक्टर यानिकोविच, ठीक है, इसको नीचे लेकर आने में इसका हाथ था। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा आपको पता होना चाहिए, पीस प्राइज वालों के पीछे आज बहुत स्टोरी है। तो एंटिटी लिस्ट होती है रशिया यूएस की, तो उसके अंदर क्या चाहता है कि रशिया यूएसए चाहता है कि जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो चाइना और रशिया के पास ना पहुँचे। ठीक है, आपको पता है जब ओसामा बिन लादेन को मारने गए थे ये लोग, अगर आपने उसकी वो डॉक्यूमेंट्री देखी है, ठीक है, उसके अंदर इनका एक हेलीकॉप्टर जो होता है वो क्रैश हो जाता है, आई थिंक चिनुक क्रैश होता है वहाँ पर, आई एम नॉट श्योर, और ये लोग उसको ब्लास्ट करके आते हैं, मतलब चिनुक को वो क्रैश हो जाता है, और क्योंकि वो क्रैश हो जाता है तो ये लोग उसको ऐसे ब्लास्ट करके आते हैं कि उसमें से उनको कुछ भी पता ना चल सके। ये नहीं था कि मतलब चाइना जा रहा है बड़े मज़े से सामान उठा के ला रहा है, उसको कॉपी कर दे, तो ये लोग नहीं जाते। अब यहाँ पे एक तो एंटिटी लिस्ट होती है, ठीक है, फेमस एंटिटी लिस्ट इंश्योर्स दैट द टेक्नोलॉजी डज नॉट रीच चाइना एंड रशिया। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री की, यूएसए की होती है, क्यों है चाइना रशिया के पास यूएस की टेक्नोलॉजी ना पहुँचे। अब बात हो रही है फॉक्सकॉन की, तो फॉक्सकॉन कहाँ पर आ रहा है, सेमी कंडक्टर्स कहाँ पर लगा रहा है, गुजरात के अंदर लगा रहा है। तो वो कहते हैं डोंट बी फॉक्सकॉन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्यों, क्योंकि इन्होंने ब्राज़ील वियतनाम और यूएस वालों से, फॉक्सकॉन वालों ने प्रॉमिस किया था कि भैया हम तुम्हारे यहाँ पर यू नो फैक्ट्री लगाएंगे, मैनुफैक्चर करेंगे LCD और सेमी कंडक्टर्स, बट कभी भी किया नहीं ऐसा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इंडिया के साथ भी ऐसा ना हो जाए, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ लगाने वाले थे और नहीं लगाए, ब्राज़ील वियतनाम और ये आपका यूएसए, ठीक है। विच और एक और बात है यहाँ पर आपको बता होना चाहिए, जो सेमी कंडक्टर्स लगाने के लिए फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है, ठीक है, क्लीन वाटर चाहिए होता है इनको, ठीक है, अराउंड बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है बेसिकली आपको बता होना चाहिए सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री सेट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। विच हाई कोर्ट रजिस्टर्ड अ सुओ मोटो केस एंड हेल्ड दैट PFI लीडर्स लाइबल फॉर द प्राइवेटाइजेशन वायलेंस प्राइवेशन एंड वायलेंस एंड लॉस ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉज बाय द हड़ताल। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है केरला के अंदर, केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा कि भैया तुम केरला के अंदर प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, तुम हड़ताल ही नहीं कर सकते विदाउट नोटिफाइंग, तुम्हें नोटिस इशू करना पड़ेगा, और प्रायर नोटिस इशू करोगे अगर किसी को उसको चैलेंज करना है तो वो चैलेंज कर सकते, तुम बिना बताए प्रोटेस्ट पे नहीं जा सकते, अगर तुम बिना बताए प्रोटेस्ट पे जाते हो तो दैट इज़ इलीगल। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है, ओन इट्स ओन। नॉर्मली हम कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट को बताते हैं कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम है, तो कोर्ट उसको सॉल्व करती है, यहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा है, कोर्ट को ही लगता है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो कोर्ट में जजेस बैठकर इस पर बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं और कहते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत है सोसाइटी में, तो केरला हाई कोर्ट ने ये बोला है, ठीक है। आगे चलेंगे, ग्रैप इज एप्लीकेबल टू, ग्रैप की फुल फॉर्म पहले मुझे कौन बताएगा, हु इज गोइंग टू टेल मी फुल फॉर्म ऑफ ग्रैप। नंबर वन, ग्रैप की फुल फॉर्म कहाँ एप्लीकेबल है, न्यू दिल्ली और NCR रीजन में, ठीक है। ग्रैप की फुल फॉर्म कौन बताएगा, चार सेक्शन, ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रैप क्या है, स्टेज वाइज कि भाई इतना बुरा हुआ तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इज इम्प्लीमेंटेड ऑन सडन डिप इन एयर क्वालिटी इन द कैपिटल एंड इट्स नेबरिंग एरियाज टू डील विद द मल्टी फैसेटेड रिस्क लिंक टू एयर पोल्यूशन। ये क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को किसने सबमिट किया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सबमिट किए थे कि भाई ऐसा कुछ आप कर सकते हो, 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया था एंड देयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2017 में इसको नोटिफाई किया था। ये क्या है, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट एक्शंस लेने का ये प्लान है, और डिफरेंट स्टेजेस कैसे डिसाइड होती है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड, ठीक है, कमीशन भी सेटअप हुआ है जो कि सारी स्टेट्स के बीच में
एक तालमेल बिठाता है, कोऑर्डिनेट करता है, जिसको हम कह सकते हैं। तो यूपी भी है, नोएडा आ जाता है एरिया, ठीक है, गुड़गांव वाला एरिया आ जाता है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन आ जाता है आपका वहाँ पर। तो उनको भी तो आपको बताना पड़ेगा, फरीदाबाद आ जाता है हरियाणा का, कि भैया तुम्हें ये एक्शन लेना है। तो अगर दिल्ली में पॉल्यूशन कम करना है तो इन एरियाज़ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसलिए एक कमीशन है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजोइनिंग एरियाज, दिस पावरफुल बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स विद अदर स्टेट्स टू प्लान एंड एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अंडर द रिवाइज एक्शन प्लान रिस्ट्रिक्शन एंड पॉल्यूशन एक्टिविटीज विल बी डिपेंडेंट ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो पहले पीएम पार्टिकुलेट मैटर होता था कि अगर इतना पतला है एयर में, ये बहुत ज़्यादा हो गया तो एयर इतनी पॉल्यूट हो गया, बट अब क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स पे लेवल्स इन्होंने डिफाइन कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस है। ठीक है, जो स्टेज वन है वो पुअर है, 201-300 के बीच में, 301-400 वेरी पुअर है, 401-450 थर्ड है, सेवियर आ जाता है, और सेवियर प्लस है, 450 प्लस अगर चल रहा है तो सेवियर प्लस है। ठीक है, सबको ये जो मैंने हाईलाइट किए तो याद रखने ही रखने हैं, जो क्लैट वाले हैं वो बीच वाला माल भी याद कर सकते हैं जो लिखा हुआ है कि क्या एक्शंस लेने। आगे चलेंगे, गौरी लंकेश वॉज इन न्यूज रिसेंटली, शी इज अ, देखो यार ये वाले क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं सीडीएस और एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और एलेट के एग्जाम में भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पर वो आपको बोल देते हैं कि भैया ये बंदा बहुत ज्यादा न्यूज में था, बंदा या बंदी, इसके बारे में बताओ ये किस किस चीज से रिलेटेड है। तो शी इज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, एंड शी वॉज मर्डर्ड, ओके, ठीक है, फॉर हर राइटिंग एंड एवरीथिंग। इंडियन नेवी टू ज्वाइन मालाबार एक्सरसाइज एंड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन जापान इन नवंबर। चलो मैंने आंसर तुम्हें बता दिया, हु विल होस्ट द 2022 एडिशन ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज। अब मालाबार के में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये हमें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। मालाबार 2022 जो है वो जापान के अंदर होगी, ठीक है, इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। एक तुम क्या कुछ कॉमन बता सकते हो, तुम किसकी एक्सरसाइज हुई, क्वाड की एक्सरसाइज नहीं हुई, क्वाड के मेंबर्स नहीं है, बताओ हाँ या ना। और इस बार क्वाड कहाँ पर हुई है, टोक्यो के अंदर हुई है, तो मालाबार कहाँ पर हो रही है, माल कहाँ पे हो रहे हैं लोग, जापान में, ठीक है, इजी। अब यहाँ पे और भी एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जापान जो है वो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कर रहा है, क्योंकि वो 70th एनिवर्सरी ऑफ जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके अंदर इंडिया पार्टिसिपेट करेगी। फिर इंडिया और यूएस की युद्ध अभ्यास हो रहा है, ये उत्तराखंड में हो रहा है, और यह 100 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थी ये वाली आपकी युद्ध अभ्यास, बिकॉज चाइना ने बोला था कि ऐसा नहीं कर सकते तुम, ठीक है, क्योंकि चाइना के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर वे है। इंडिया इज करंटली होस्टिंग द मल्टीलैटरल एंटी टेरर एक्सरसाइज मानेसर एंटी टेरर 2022। यार इस बार इंडिया में बहुत कुछ होस्ट हुआ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुम्हें बार बार पढ़ा रही हूँ, भूलो मत, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया फ्लैगशिप इंडो पैसिफिक इंडेवर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है, ओके। विच विलेज इन गुजरात बिकेम इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज, बताओ, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, तुम्हारा एनडीए सीटीएस हर एग्जाम के लिए, सीयूईटी, ठीक है, एमएचसीईटी, ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो, इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर है बी, मोधेरा, द सन टेम्पल इन मोधेरा। अब देखो यहाँ पर जब उन्होंने अनाउंस किया तो द हिंदू में आया, तो सन टेम्पल इन मोधेरा 70 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद इज अ रेलिक ऑफ स्टोन मैसनरी बिल्ड ड्यूरिंग द डैश इन गुजरात। कब बड़ा था, प्रथियारा एम्पायर, गुजियारा, गुप्ता, सोलंकी। अगर या तुम अगर राजस्थान या तुम गुजरात में गए हो तो तुम्हारा सोलंकी पक्का कोई ना कोई दोस्त होगा, अगर नहीं है तो बहुत गलत है बॉस, होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आंसर इज डी। चलो इसको पूरा काला कर देते हैं। अब यहाँ पर द टेम्पल वॉज अटैक्ड एंड इन्वेडेड ट्वाइस, फर्स्ट बाय महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग हिज रेड ऑफ गुजरात एंड देन बाय अलाउद्दीन खिलजी। किन दोनों ने करा था, अलाउद्दीन खिलजी और महमूद गजनी ने, ठीक है, दोनों ही बहुत फेमस हैं। हु गेव द मैसेज ऑफ सर्वोदय इन देयर इंडिविजुअल प्रायोरिटीज, महात्मा गांधी ने दिया था और इस बार प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्पीच के अंदर मैंशन किया था। विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ कॉर्निया कलेक्शन, कर्नाटका ने टॉप किया, ये तीनों तो बल्कि बहुत ही नीचे हैं, ठीक है। डिस्पाइट द यूनियन गवर्नमेंट एम्फेसिस, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम हुए हैं कॉर्निया, ठीक है, एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये टॉप पर है, ठीक है। इन विच कंट्री अ जज बैन डूलास एडवर्टीजमेंट लिंकिंग बोल्सोनारो टू कैनिबलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे बोल्सोनारो जो है, ये सारे दोनों ही ब्राज़ील से रिलेटेड है, तो दिस इज ए, आंसर इज ए, ब्राज़ील।
आगे चलेंगे. द वोटर्स ऑफ विच रीजन ऑफ यूके रिजेक्टेड इंडिपेंडेंस बाय अ मार्जिन ऑफ 55% टू 45% इन अ 2014 रेफरेंडम. रेफरेंडम क्या होता है, जब लोगों से पूछा जाता है तुम क्या चाहते हो, ठीक है ना. तो कौन से एरिया से पूछा गया था, भैया तुम क्या चाहते हो, और उनकी वोटिंग परसेंटेज ये रही थी. तो यहाँ पे जो आंसर है वो है स्कॉटलैंड. और स्कॉटलैंड अब दोबारा कहता है कि मुझे तो तुमसे अलग होना है, यूनाइटेड किंगडम से अलग होना है, ठीक है ना. तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे पहुँच गए हैं कि भाई हमें रेफरेंडम करवाना है, नहीं तो हम फुल फ्लेज रेफरेंडम करवाएंगे. उनका फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जेंट है, इसको याद करते कैसे करो, निकोला सर्जन, ठीक है. अब सर्जन लिख लिया तो टी यहाँ पे आएगा स्टर्जन, ठीक है. निकोला मम्मी के पास गए, मम्मा कोका कोला पीना है, मम्मा कहती बेटा नहीं पीना, इट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी, ठीक है. तो निकोला स्टर्जेंट, वो कहती अगर कोला पिया तो सुई लगवाऊंगी, कहती थी ना बचपन में, बेटा तुम्हें इंजेक्शन लगवाएंगे, सर्जन के पास ले जाऊंगी, ऐसे याद कर लो. अब ये जो है ये कह रहे हैं हमें अलग होना है, तो अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है क्या नहीं करता. बट हाँ, स्कॉटलैंड जो है वो अलग होना चाहता है. स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड हैव बीन पॉलिटिकली यूनाइटेड सिंस 1707. स्कॉटलैंड हैड इट्स ओन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट सिंस 1999 एंड मेक्स इट ओन पॉलिसीज ऑन पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड अदर मैटर्स. ये वाला जो पॉइंट है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके. Who won the Japanese Grand Prix? जी बताओ सी. चलो आगे. Who won the 90th title in ATP final in Astana? Novak Djokovic. बहुत सारे जीत चुके हैं ये, विम्बल्डन जीता, ठीक है, इसराइल वाला जीता, रोम वाला जीता, तो आपको दिसंबर तक हमें पता. अशोका विजयदशमी कॉन्ट्रोवर्सी, तो अशोका विजयदशमी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, ये वो सेम ही है आप वाली. तो इसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे नंबर वन जो हमें पता होना चाहिए, कौन सा मिशन जय भीम और बुद्धिस्ट सोसाइटी करके ये थे, ठीक है ना, इन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, कौन से वाले दिन, विजयदशमी के दिन. तो विजयदशमी का दिन क्यों चुना जाता है, बिकॉज इस दिन ऑन अक्टूबर 14, 1956 बी आर अम्बेडकर अलॉन्ग विथ मोर देन हाफ अ मिलियन फॉलोअर्स एट नागपुर. देखिए यहाँ का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और कहाँ पर, नागपुर के अंदर उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, ठीक है, और प्लेजेस ली थी जिसके अंदर वो बोलते हैं कि हम यू नो डाइटी की पूजा नहीं करेंगे, हिंदू रिलीजियस डॉगमास फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ. सेकेंड, इट चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट प्री द रेस्ट प्रोमिसज टू फॉलो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, ये सब ये किया था. एंड इवेंचुअली जो राजेंद्र पाल गौतम है, ही हैड टू रिजाइन बिकॉज वो इस कन्वर्जन का पार्ट बने, इसलिए. तो हमारे लिए ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और बी आर अम्बेडकर ने योला कन्वर्जन कॉन्फ्रेंस 1935 में अनाउंस किया था कि अल्टीमेटली वो हिंदुज़म को छोड़कर बुद्धिज़्म अडॉप्ट करें. न्यूज़ ब्रॉडकास्ट जो है उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ऑलरेडी केस चल रहा है गूगल के ऊपर, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स ऑर्गेनाइजेशन चला रही है. और अब वहाँ पर एक और पार्टी पहुँच गई है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स, ठीक है. अब न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स वाले क्या कह रहे हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स वाले कह रहे हैं कि देखो यार, हम जो हैं गूगल के थ्रू ही हमारी जो वेबसाइट्स हैं या जो भी हम पोस्ट करते हैं वो रैंक करता है, और गूगल की मर्जी है वो किसी वेबसाइट को रैंक करवाए नहीं करवाए, ठीक है. और गूगल जो है वो 51% ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है वो खा रहा है रेवेन्यू, ठीक है, और हमें कुछ नहीं बच रहा है, हम तो बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा. तो गूगल को एक अच्छा अमाउंट हमारे साथ एडवर्टीजमेंट का शेयर करना चाहिए, नॉट ओनली 51%, ठीक है. दैट वेबसाइट पब्लिशर रिसीव 1%. अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो लॉ आ गया है जिसका नाम है मीडिया बारगेनिंग कोड, और कनाडा के अंदर भी लॉ आ गया है, कनाडा के अंदर भी लॉ आ गया है, और जहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि आपको बार्गेन करनी पड़ेगी, डील बार्गेन करनी पड़ेगी मीडिया हाउसेस के साथ कि कितना शेयर करना है, ठीक है. तो अब इंडिया के अंदर भी ये हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है. यूरोप के अंदर भी इसके ऊपर आवाज़ उठी है. तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर डिजिटल न्यूज़ पब्लिशिंग एसोसिएशन है ना, फाइल बाय द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी इन फरवरी दिस ईयर एंड द डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि 51% जो है गूगल एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू शेयर करता है, देता है वेबसाइट पब्लिशर्स को. महाकाल लो कॉरिडोर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है. अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ महाकाल लो कॉरिडोर इन मध्य प्रदेश टू उज्जैन आफ्टर ओपनिंग. एंशियंट महाकालेश्वर टेम्पल भी है वहाँ पर, यार ये ना बहुत सॉरी फॉर द आई एम रियली रियली. तो महाकालेश्वर जो टेम्पल है ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, अगेन मध्य प्रदेश उज्जैन में. द कॉरिडोर दैट इज लिटल ओवर 900 मीटर्स लॉन्ग
सोर्सेज ऑफ ओल्ड रुद्र सागर लेक. अब रुद्र सागर लेक कहाँ पर है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है जब तुम कहते हो ना ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हमें याद करना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये न्यूज़ के अंदर आती है देखो. ठीक है, अब इसके बाद द कॉरिडोर इज डॉटेड विद 108 ऑर्नेट सैंडस्टोन कॉलम्स इन अ रो विद त्रिशूल डिजाइन ऑन टॉप एंड मुद्रास ऑफ लॉर्ड शिवा. इट ऑल्सो हैज फाउंटेन सराउंडेड बाय स्कल्पचर्स. ये है. उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड किलिंग ऑफ गर्ल्स. तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंदर नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को भी ऐड कर दिया गया है. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बिटवीन मिनिस्टर्स ऑफ वुमेन एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइनॉरिटी अफेयर्स. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. नेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज जस्टिस वाई वी चंद्रचूड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्टिस चंद्रचूड वुड बी द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. देखो ये इनके फादर थे क्या, वाई वी चंद्रचूड जो हैं, हिज फादर वाई वी चंद्रचूड डी वाई चंद्रचूड अब बनेंगे. ठीक है, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड उनके फादर वाई वी चंद्रचूड हैड द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ही हैज़ अ टेन्योर ऑफ 2 years. ये बात हो रही है डी वाई चंद्रचूड की. ठीक है, एंड ही वुड बी द फर्स्ट सेकेंड जनरेशन चीफ. सेकेंड जनरेशन सब जो अपने पेरेंट्स का कुछ फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, वैसा फर्स्ट जनरेशन पहली बार कुछ कर, परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है. ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड वॉज अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन इन 2016 एंड अर्लियर ही वॉज अ जज चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट. ओके, विच सिम्बल वॉज अलॉटेड टू एकनाथ शिंदे फैक्शन ऑफ शिवसेना महाराष्ट्र. अब क्या हुआ, देखो शिवसेना जो है वो डिवाइड हो गई, सब दो में डिवाइड हो गई, दोनों ही बोल रहे हैं, ए ग्रुप भी बोल रहा है बी ग्रुप भी बोल रहा है कि हम असली हैं. अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है जब तक हम ढूंढ रहे हैं कौन असली है तो दोनों को जो शिवसेना का एक्चुअल सिंबल है वो तो यूज़ करने दे नहीं सकते, दोनों अलग अलग. एकनाथ शिंदे वाला जो है उनको कौन सा मिला है, उनको मिला है बी धल तलवार टू स्वॉर्ड्स एंड शील्ड. तो उद्धव ठाकरे वाला उनको फ्लेमिंग टॉर्च मिला है. ठीक है, तो धल तलवार जो है वो पहले ना पार्टी का सिंबल हुआ करता था बट वो डीलिस्ट हो गई है, तो इसलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हुआ करता था बट क्योंकि वो डीलिस्ट हो गया तो इसलिए वो इनको दे दिया. ठीक है, तो धल तलवार. विच कमीशन शूड एन एडवाइजरी टू द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ऑकुलर ट्रामा. ऑकुलर ट्रामा जो परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकता है उसको कम करने के लिए एडवाइजरी इशू करी है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करी है. आंसर इज बी. नेम द चाइल्ड एक्टर ऑफ इंडिया ऑस्कर एंट्री गुजराती फिल्म छेलो शो लास्ट फिल्म शो. देखो पहले आपको बता इंडिया की ऑस्कर एंट्री कौन सी है. चाइल्ड एक्टर हु डाइड रिसेंटली राहुल कोहली. राहुल कोहली. आगे चलेंगे. सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस वॉज हेल्ड इन गांधीनगर हैदराबाद बैंगलोर न्यू दिल्ली. कहाँ पर हुई थी, वॉज हेल्ड इन हैदराबाद. दिस इज वेरी 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 रट लो. और ये भी याद रखना है कि सेकेंड थी. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो थोड़ा ज्ञान बांटा. अब क्योंकि ज्ञान बांटा है उसमें प्रधानमंत्री उन्होंने कहा स्वमित्रा. स्वमित्रा क्या स्कीम है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया. सर्वे करना विलेजेस का और उनको मैप करना है. मान लो ये पूरा विलेज है, ठीक है ना, उसमें कहना कि ये कौन कौन है. देखो ये मुशान खान का है, के एम के का है, ठीक है, और ये टी डी का है, तारू डागर का है, और ये वाला पार्ट कहते कीर्ति त्रिवेदी का है. ठीक है, तो उसको मैपिंग करना कि किसका कहाँ पर है. वो कहते हैं ये दोबारा एमके का है, ये भी कीर्ति का है, ये टी का है, ऐसे ऐसे करना. ठीक है, तो वो किया कैसे किया, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके. तो स्वमित्रा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूजिंग ड्रोन्स टू मैप. ड्रोन्स यूज़ करें. मुझे मैं हमेशा कहती हूँ ड्रोन्स के एमओ. देखिए शादियों के अंदर जब नाच रहे हो तो तुम वहाँ दम नाच रहे हो तो और ऊपर से हवा आती है फोटो लेने, ड्रोन हेलीकॉप्टर टाइप छोटा सा, उससे इन्होंने ये किया है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स पीपल एरियाज हैव क्लियर एविडेंस ऑफ ओनरशिप. ओके, पहली बार इतने सालों के अंदर एरियाज मतलब विलेजेस के अंदर लोग आ रहे हैं रहते हैं उनको पता है, उनके पास एविडेंस है कि ये जो ज़मीन है भैया ये मेरी. और ये क्यों पॉसिबल है, स्वमित्रा के कारण. नाउ नेम US कांग्रेस वुमेन एंड द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन टू रन फॉर द व्हाइट हाउस इन 2020 अनाउंस दैट शी इज लीविंग द गवर्निंग डेमोक्रेटिक पार्टी. गोपी अनंतनाथन, तुलसी गबार्ड, ये है गब्बर सिंह. गब्बर या गब्बर सिंह, गब्बर और तुलसी तेरे आंगन क्या, बस डी लगा दो यहाँ पे.
चलो आगे. नेम द कंट्री वेयर अ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर आर्म्ड विद अ गन एंड नाइफ वेंट रैम्पेज थ्रू द नॉर्थ गोइंग ऑन टू किल वाइफ एंड चाइल्ड एंड टेक. यहाँ पर हुआ ये इंसिडेंट आयरलैंड के नर्सरी, बच्चों को मार दिया बेचारों को, खुद भी मर गया, अपनी बीवी को मार दिया, अपने बच्चे. इसराइल और लेबनान के अग्रीमेंट हुआ है मैरीटाइम बॉर्डर का, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. ठीक है, एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद अ स्टार. यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड है? सबसे पहले ब्रोकर, मतलब किसने करवाया, यूएस ने अग्रीमेंट, ये पता होना चाहिए. कौन सा बंदा है इनका? एमोस हॉटस्टेन. अमोस हॉटस्टेन. ठीक है, इसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, किसने करवाया. अब किस चीज़ से रिलेटेड था? गैस की प्रोडक्शन से, मेडिटेरेनियन, ऐसा कुछ ट्यून है. मेजर सोर्स ऑफ फ्रिक्शन वॉज द कैरिश गैस फील्ड. सब मेजर पॉइंट ऑफ लड़ाई क्या थी? कैरिश गैस फील्ड. ठीक है, कैरिश. अब क्या हुआ, इन्होंने क्या डिसाइड किया है? और ये क्या कह रहे थे? हसबोला जो वहाँ पर है, पावरफुल ईरान बैक मिलिटेंट ग्रुप है, वो कह रहे थे कि अगर ईरान वहाँ से निकालेगा गैस तो हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे, कर देंगे वो. तो अब क्या है, अंडर टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट लीक्ड द प्रेस, ऑल ऑफ द कैरिश फील्ड वुड फॉल अंडर द इजरायली कंट्रोल, वाइल अनदर पोटेंशियल गैस फील्ड काना वुड बी डिवाइडेड बट इट्स एक्सप्लॉयटेशन वुड बी अंडर लेबनान कंट्रोल. तो ये डिसाइड हुआ है. कैरिश किसके पास है? तुम ऐसे याद कर लो, कैरिश, करिश, क्रिश से नहीं याद हो रहा, देखो तुमने वो रोशन वाली क्रिश है ना, यहाँ पे कैरिश रख दी. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कना. हमारे यहाँ पे कोई सना नहीं है, सना और काना. ठीक है, चलो ये ऐसे याद कर लो. रशियन लेबल्ड विच ग्रुप, रशिया ने कौन से ग्रुप का एड्रेस बोल दिया? मेटा को. मेटा कौन है? ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का सो जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम मेटा है. ठीक है, बट व्हाट्सएप बैन नहीं किया लोगों को चैट करने से, तो बैन कर दिया. किसने किया? फेडरल सर्विस फॉर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग ने किया है. ठीक है, मेटा हैड अनाउंस्ड ऑन मार्च, तो मेटा ने क्या बोला था कि हम अलाउ करेंगे डेट टू रशियन इन्वेडर्स बट नॉट क्रेडिबल थ्रेट्स अगेंस्ट सिविलियंस बिफोर सेइंग द चेंज ओनली अप्लाई टू यूज पोस्टिंग फ्रॉम यूक्रेन. अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर डेथ थ्रेट दे रहे हो रशियन इन्वेडर्स को, इनको बोल रहे हो कि इसको हम मार देंगे, तो ठीक है. अगर तुम उनके सिविलियंस को कुछ कह रहे हो तो हम वो नहीं सही. ठीक है, तो रशिया कहता है तुम एक टेररिस्ट हमारे लोगों को करवा रहे हो. रिसेंटली ओवर द एयर सॉफ्टवेयर वॉज इन न्यूज, इट रिलेटेड टू OTA के न्यूज के अंदर था, बताओ. ओटा बताओ. 5G और सॉफ्टवेयर फॉर एप्पल और सॉफ्टवेयर फॉर एंड्रॉयड, ऑल ऑफ द अबव. देखो यार, इसके अंदर ही ना आप CTS या NDA उठाकर देखोगे तो NDA के अंदर भी जैसे ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो डाल देते हैं और पूछते हैं बताओ ये किससे रिलेटेड है. तो आपको पता होना चाहिए एक तो वर्ड स्मॉल सेल, स्मॉल सेल और ये भी ओटा भी जो है ओवर द एयर जो है 5G से रिलेटेड. स्मॉल सेल क्या है? देखो हम कहीं पे भी जाते तो बड़े बड़े ऐसे से खड़े हुए देखते हैं ना, टेलीकॉम वाले है ना, और लगे होते हैं जिससे कि नेटवर्क आता है और बहुत दूर दूर. बट अब क्या है, 5G की स्पीड बहुत ज़्यादा है और क्योंकि ये स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी वेव्स जो है वो कम ही ट्रैवल कर सकते. अब क्या करेंगे, बहुत ही कम डिस्टेंस पे ये स्मॉल सेल्स लगेंगे जो 5G को है वो पहुंचा पाएंगे लोगों के पास. तो स्मॉल सेल्स आर आल्सो रिलेटेड टू 5G एंड ओटा जो है वो सॉफ्टवेयर लेकर आना पड़ेगा तभी मोबाइल के अंदर 5G जो है वो चलेगा. ठीक है, ओके. हु वन द मेन्स फुटबॉल फाइनल ऑफ द नेशनल गेम्स? इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु ने वेस्ट बंगाल जीता और इसने केरला को हरा दिया था, ये भी याद रखो. तो बीट किया, केरला को बीट किया. लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू विच गेम? अगेन ये NDA CTS वालों के लिए क्वेश्चन. टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जैवलिन थ्रो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन से रिलेटेड. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ BCCI? एक्चुअली हु इज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ है? राजीव शुक्ला, जय शाह, सौरभ गांगुली, रॉगर बिनी. इट इज रॉगर बिनी, पहले सौरभ गांगुली, अब नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ही वॉज वन ऑफ द पार्ट थे उस टीम 1980 वर्ल्ड कप जीता था. इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, पहले कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे बिनी. बिनी इज सेट टू बिकम थर्ड टेस्ट क्रिकेटर टू हेड द BCCI. अब ये क्योंकि एक फैक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले महाराजा ऑफ विजयनगरम एंड सौरभ गांगुली टर्म विल एंड इन AGM. ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर जो. हु वन द मेन्स हॉकी गोल्ड ऑफ 36 नेशनल गेम्स? 36 नेशनल गेम्स रात के अंदर हुई.
एट द ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब, ये कर्नाटका ठीक है, उत्तर प्रदेश को हरा कर जीता। हरियाणा ने किसका जीता, वुमेन्स का जो टाइटल था हॉकी का वो किसका जीता, हरियाणा ने। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन कर्नाटका हिजाब, ठीक है, नेम द जस्टिस हु फेवर्ड द बैन, ये बैन सही है, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुधांशु दूर क्या, जस्टिस जी, किन जजेस ने ये जजमेंट, ये दोनों ने दिया, हेमंत गुप्ता एंड सुधांशु गुप्ता, क्रॉस हो जाते हैं ये पार्ट। इसका आंसर है ए, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि ठीक है बैन लगा हुआ है, लगा रहने दो, पर दूसरे जज ने कहा स्प्लिट का मतलब क्या होता है, एक कहता है ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहता है यस नो, स्प्लिट वर्डिक्ट का होता है, तो अब ये क्या होगा, अब इसके लिए लार्जर बेंच बिठाया जाएगा, थ्री जजेस बिठाए जाएंगे या फाइव जजेस बिठाए जाएंगे, विच इज लॉन्च व्हीकल मे अज्यूम पीएसएलवी, पीएसएलवी जो अब करंट व्हीकल है उसका रोल कौन ले सकता है, नेक्स्ट जनरेशन एनजीएलवी, ओके। इंजीनियर्स कॉन्क्लेव हुआ कहाँ पर हुआ, यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा द हिंदू के ना बीच बीच आया था कि ये डिसीजन चल रहा है, वो लिया जा रहा है, इंजीनियर्स कॉन्क्लेव चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, फिट प्रोपल्शन वालिया माला है ना, कौन सी माला, वालिया माला ठीक है। एनजीएलवी इसरो इज अंडरस्टूड टू एट अ कॉस्ट एफिशिएंट थ्री स्टेज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल विद अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 10 टन, क्या देख रहा है वो, कॉस्ट एफिशिएंसी, तो सस्ता और टिकाऊ हो, थ्री स्टेज रीयूजेबल, रीयूजेबल हो, ऐसा नहीं एक बार गया तो गया, नहीं दोबारा से उसको यूज कर सके, राइट, एंड उसकी पेलोड कैपेसिटी, ये क्या करते हैं व्हीकल, सैटेलाइट लेके जाते हैं ना, उसका वेट जो है सैटेलाइट का अगर भारी भी है तब भी वो आकर लेकर जा सके, राइट। इंडिया डैश इन द यूएन जनरल असेंबली ऑन अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन that condemned Russia's illegal referenda and attempts to annex parts of Ukraine. तो रशिया, हमें ये पता है कि रशिया ने क्या किया, रशिया कहता कि ये चारों पार्ट मेरे हाथ से है ना, यूक्रेन के पार्ट अपने बनाकर बैठ गए और वहाँ पे लॉ भी अपना लगा दिया, ठीक है, तो अब वहाँ पे वोटिंग हुई रशिया के अगेंस्ट, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने फेवर करी रशिया, इंडिया कहता मैं नहीं करूँगा, वोटिंग करी रशिया के अगेंस्ट या अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, इंडिया कहता कि मुझे तो वोटिंग ही नहीं करनी है, जाओ। अब आगे चलेंगे, न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस विल रन फ्रॉम अम्ब अंदौरा टू चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली तक चलेगी, ठीक है। पीएम लेड फाउंडेशन स्टोन, बल्क ड्रग पार्क भी आएगा, कहाँ पर, ऊना के अंदर आएगा, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। देखो गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप ये सी कर रहे हो एंड आपका जो भी एग्जाम है, ठीक है, जितने दिनों की आती हैं, हमने अप्रैल से ये सी चलाई हुई है, आपको सभी मंथ के अप्रैल न्यूज मिल जाएगी MCU फॉर्मेट में, आप वो कवर करें, जैसे बल्क ड्रग पार्क ही है तो हमने डिटेल में बात करी हुई है कि कहाँ कहाँ पर आएंगे, क्यों आएंगे, ठीक है ना, अब मैं वो बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ, ठीक, आप जो MCU सीरीज है अगर वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसरो प्रपोजल्स डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर सपोर्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये भी जो इंजीनियर्स कॉन्क्लेव हो रहा था, ठीक है ना, माला में, ठीक है, वालिया माला में, वहाँ पर ये बात हुई कि एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक सैटेलाइट्स होनी चाहिए और लेकर आएंगे हम, कौन से प्रोग्राम के अंदर, भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम के अंदर ये लेकर आएगी, मिनिमम 2 चाहिए, और इसकी जो ओनरशिप होगी वो किसकी होगी, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की होगी, और टेक्निकल सपोर्ट कौन करेगा, इसरो, यहाँ पे दे विल बी ओन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नॉट बाय इसरो, बट टेक्निकल सपोर्ट किसकी होगी, इसरो की होगी। दे विल एड अ गैमेट ऑफ फार्म रिलेटेड एक्टिविटी, क्या हेल्प करेंगे ये सैटेलाइट, क्रॉप फोरकास्टिंग, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, इरीगेशन, ये सब कुछ, सॉयल डाटा, ये सब कुछ। देखो अगर आप परमानेंटली एक कैमरा लगा दिए ऊपर और सारी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो, क्रॉप में चेंजेस देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो हमेशा डाटा इकट्ठा होगा एंड वो हेल्पफुल ही रहेगा। सोमनाथ सुजेस्टेड दैट अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल, अब आपको ये पता होना चाहिए किसने सुजेस्ट किया सोमनाथ, ठीक है, किसने ये सुजेस्ट किया, अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसरो के जो चेयरमैन है उन्होंने सुजेस्ट किया कि भैया ऐसा कुछ होना चाहिए जो अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, जो इंडिया में थोड़ी कम है। कैटास्कोप क्या है, कैटास्कोप, कैटास्कोप शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय डॉक्टर्स, अ न्यू डिवाइस टू चेक द पेशेंट, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर, इट इज शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय डॉक्टर्स, अब ये कुछ अलग है तो देयरफॉर क्वेश्चन बन सकता है। कलेक्शन ऑफ देयर शॉर्ट स्टोरीज, द बुक हैज बीन ब्रॉट आउट अंडर द एजेस ऑफ सेकंड पेन एंड इनिशिएटिव ऑफ कोझिकोडे ब्रांच ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दैट प्रमोट्स द लिटरेरी स्किल्स ऑफ डॉक्टर्स, 25 डॉक्टर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड स्टोरीज
The collection, Cutascope, is the first book released by Second Pen to encourage more doctors. Doctors को write कर लिखवाना चाहते हैं. कोझिकोड़े IMA का जो branch है उन्होंने ये Second Pen Start initiative किया और उसके अंदर Cutascope जो है ये first book इन्होंने निकाली है जिसके अंदर 25 doctors ने अपनी stories contribute. 36 national games के बारे में बात करेंगे. 36 national games के बारे में हमने पहले भी बात करी थी जब inauguration हुई कि कहाँ पर हो रहा है, किन किन कौन कौन सी गेम्स इस बार फर्स्ट टाइम ऐड हुई है. अगेन तो उसके लिए आपको पिछली स्लाइड देखनी पड़ेगी, हर चीज़ मैं रिपीट नहीं कर सकती. 38 गेम्स रिकॉर्ड, तो 38 गेम्स रिकॉर्ड मिले टम्बल्ड इन एथलेटिक्स. एथलेटिक्स में 38 गेम मिले. 36 के अंदर 36 गेम रिकॉर्ड्स एक्वेटिक्स के अंदर मिले, ठीक है, बने. उसके बाद यहाँ पे किन किन रिकॉर्ड बनाए इन सब के नाम आपको नोट करने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज ने टॉप किया, ठीक है, सर्विसेज ने टॉप किया और 61 गोल्ड लेके गए, 35 सिल्वर लेके गए और 32 ब्रॉन्ज लेके गए. स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स के अंदर महाराष्ट्र टॉप पे आया, ठीक है, 39 गोल्ड आए, तो ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद किसको अवार्ड्स मिले, बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलीट कौन बने, स्विमर सजन प्रकाश को मेल का मिला, ठीक है, एंड 14 ईयर हर्षिका रामाचंद्रा वर नेम द बेस्ट मेल एंड फीमेल. फर्स्ट की एक लड़की जो यू नो हर्षिका रामाचंद्रा, उस तो 7 मेडल्स जीते उनको उन्होंने, एंड देयरफॉर शी वाज नेम्ड द फीमेल एथलीट, बेस्ट फीमेल एथलीट, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है. अब यहाँ पे द ग्लिटरिंग क्लोजिंग सेरेमनी किस सूरत के अंदर हुई है, ठीक है, और किसने अटेंड करी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, ठीक है. और जो 37th एडिशन है वो कहाँ पर होगा, गोवा के अंदर होगा. हु हेडेड द कमिटी विद द रिपोर्ट टाइटल्ड अनसर्टेन जस्टिस कमिटी रिपोर्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस 2020, जस्टिस मदन बी लॉकवुड. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर बोला गया है कि इसमें सबकी गलती थी, दिल्ली वालों की गलती थी, दिल्ली पुलिस की गलती थी, होम मिनिस्ट्री की गलती थी, दिल्ली की जो आपकी गवर्नमेंट है उसकी भी गलती थी, सबको मिलकर ये जो राइट्स हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते वो नहीं होते अगर ये लोग कुछ एक्शन ले लेते, ठीक है. जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरपोल की मीटिंग कहाँ पर हुई, दिल्ली के अंदर हुई. ये 90th मीटिंग थी जो दिल्ली के अंदर हुई, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सेकेंड टाइम हुई है, 1997 में हुई थी पहली बार और अब 2022 के अंदर सेकेंड टाइम ये मीटिंग हो रही है, ठीक है. इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड की पुलिसिंग ये लोग करते हैं, सब कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन ये शेयर करते हैं कंट्रीज में, मेंबर कंट्रीज में आपस में, ठीक है. चलिए आगे चलेंगे. हु इज़ रेड, वॉट इज़ रेड नोटिस. रेड नोटिस है कि जब एक पर्सन के को एक कंट्री में चाहिए तो वो सभी मेंबर कंट्रीज़ को बता देते हैं कि अगर आपके यहाँ पर ये इंडिविजुअल है तो आपको वो कंट्री को बता देना चाहिए, सेंड कर देना चाहिए इसके बारे में. वॉट डज़ वन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिल्ली मीटिंग, तो दिल्ली मीटिंग के अंदर अभी हो जाएगी, हो गई है ऑब्वियसली, तो उसका हम सारा जो है वो पढ़ लेंगे आने वाली उसमें. कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया वॉज हेल्ड इन अस्ताना, ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आगे चलेंगे. Who chairs the House panel on chemicals? It is Shashi Tharoor. पहले IT वाली जो थी वो पैनल हेड करते थे बट अब ये केमिकल्स वाली करेंगे. ओके आगे चलेंगे. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहले कहा गया था जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट के अंदर ऐड किया जाएगा उनका नाम, बट अब नहीं किया जाएगा. पहले क्या कहा गया था, जो ओवर अ ईयर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उनका नाम ऐड कर दिया जाएगा, बट अब ये कहा गया है कि नहीं ऐड किया जाएगा, ठीक है. महाराष्ट्र गांधी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा की वजह से बहुत हेल्प करी. 20-80% ऑफ इनकम लॉस था वो लोगों का, मतलब लोगों ने MG नरेगा में काम कर बचा लिया, इट इज़ अ गुड थिंग. उसके बाद स्कीम टू इंसेंटिवाइज इंडस्ट्रियलिस्ट, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इंसेंटिव देंगे इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को जो पेडी स्ट्रॉ पैलेटाइजेशन लगाएंगे. पैलेटाइजेशन और टोरिफैक्शन क्या होती है, देखो उसको इकट्ठा करना. अब क्या है, स्टबल बर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे. कौन सी बर्निंग की, स्टबल बर्निंग क्या होती है, स्टबल इज जो क्रॉप का बचा कुचा होता है पीछे रह जाता है उसको काटने के बाद उसको जला दिया जाता है. तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग रोकने के लिए टोरिफिकेशन हो सकते हैं. टोरिफिकेशन और पैलेटाइजेशन का मतलब होता है, पैलेटाइजेशन का मतलब तो ये होता है कि आप उस चीज़ को इकट्ठा कर दो, मे बी उसके बॉल बना दो, बॉक्सेस बना दो उसके, एंड एक और चीज़ करनी होती है उसके अंदर से मॉइस्चर निकालना होता है तो उसको टॉरीफैक्शन कहते हैं, ठीक है. एंड उसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको फिर बर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल के साथ डाल सकते हैं थर्मल प्लांट्स के अंदर. एंड गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसको इंसेंटिव देंगे, उसको पैसा देंगे, उसकी हेल्प करेंगे. तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, तो आंसर इज बी. अब यहाँ पे
₹50 करोड़ की स्कीम है, ठीक है, ये सब मैंने आपको समझा दिया, तो ये आपको बताना चाहिए कि किसके साथ बर्न करने का सोच रहे हैं इसको। नेशनल हाईवे इंफ्रा ये क्या है, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट जो है NHAI इन IT जो है, इसमें ये पैसा रेज करते हैं, ठीक है, कौन, NHAI वाले, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है, कितनी डेट, मेजोरिटी कब है उनकी, 24 ईयर्स की, तो ये आपको बताना चाहिए ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ओके। आगे चलेंगे, 8 ईयर्स आफ्टर अरेस्ट हाई कोर्ट एक्विट्स। अब यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विट किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट एक्विट का मतलब क्या होता है, एक्विटल का मतलब कि प्रूव नहीं हो पाया कि उन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। फॉर्मर DU प्रोफेसर इन UAPA केस, ठीक है। GN साई बाबा वॉज कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट फॉर बींग इन्वॉल्व इन, पर इनको कन्विक्ट किया था ट्रायल कोर्ट ने, किस केस में इन्वॉल्व थे, भीमा कोरेगांव केस के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो राइट्स हुए थे, अलेज लिंक विद द बैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है सी, अलेज लिंक विद द बैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एंड आपको पता होना चाहिए बॉम्बे ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, मतलब प्रूव हुआ कि हाँ इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विटल किया, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन सही नहीं दिया, ये प्रूव नहीं होता है कि उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कन्विक्शन का, वो सेट असाइड कर दिया है। इनका नाम क्या है, GN साई बाबा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे ये, और अनलॉफुल UAPA के अंदर इनको अरेस्ट किया गया, दैट इज टेररिज्म एक्टिविटीज, अगर कुछ रिलेशन हो तब अरेस्ट किया जाता है इस एक्ट के अंदर। नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट, इट इज एयरबस A380, ठीक है। और स्मॉल, अब डबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डार्ट, आपको पता है डार्ट क्या होता है, डार्ट्स खेले आपने कभी, दीवार में मारते हैं ना, निशाना लगाना डार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, एस्ट्रॉयड क्या होता है, कुछ ऐसा कुछ आप कह लो कुछ मटीरियल जो स्पेस के अंदर कोई सेलेस्टियल बॉडी जो घूम रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई घूम रही है और वो अर्थ की तरफ आ रही है, तो अर्थ के लिए तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना। तो इन्होंने, नासा वालों ने ट्राई किया था कि क्या हम अगर एक एस्ट्रॉयड के ऊपर कुछ मारते हैं और उसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो हो सकता है, उसको इन्होंने क्या बोला, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। सबसे पहले तो डार्ट की फुल फॉर्म क्या है, किसने ये टेस्ट किया, नासा ने किया। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, काइनेटिक इम्पैक्टर, ठीक है। एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करी तो उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक इम्पैक्टर। तो किसको, किस एस्ट्रॉयड को हिट किया, एस्ट्रॉयड डिमॉर्फोस, ठीक है, डिमॉर्फोस को हिट किया, ठीक है। एंड यस दे वर सक्सेसफुल, उसका जो स्पीड था वो इन्होंने चेंज कर पाए ये लोग। तो ये आपको बताना चाहिए कि किसका इनिशिएटिव था। द सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हेविली ऑन प्रोड्यूसर एकता कपूर ओवर ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट इन हर वेब सीरीज XXX। वट इज़ इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इट इज़ A 107, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अफगानिस्तान से आगे हैं, बाकी सभी कंट्रीज जो हमारी पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमसे आगे हैं, सिर्फ अफगानिस्तान हमसे पीछे है। 29.1 हमारा स्कोर है, ठीक है। आगे चलेंगे, ऑन अक्टूबर 2022 ओपेक प्लस हैज़ टेकन द डिसीजन टू कट आउटपुट बाय डैश बैरल्स पर डे, इट इज 2 मिलियन बैरल्स पर डे, आई थिंक वी डिस्कस्ड इट मिनिमम 5 to 6 times। हु वॉज अवार्डेड द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल ऑफ 2019, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि ये अब 2022 के अंदर दिया गया इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सी प्रकाश पादुकोण, सी प्रकाश पादुकोण इज द आंसर। उसके बाद आगे चलेंगे, रुद्रांश पाटिल बीट डैनिलो डेनिस ऑफ इटली फॉर द गोल्ड इन मेन्स राइफल वर्ल्ड चैंपियनशिप, चल रही थी शूटिंग की कायरो में, इंडिया के बहुत मेडल आए हैं, ठीक है। स्प्रिंटर्स एमलैन बॉर्गेन एंड ज्योति याराजी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द फ्यू स्टार अट्रैक्शन ऑफ 61st नेशनल ओपन बिगनिंग, नहीं इसमें से ये सेकंड वाला ऐसे डाल दिया मैंने। विच स्टेट इन अक्टूबर 2022 अनाउंस इट्स प्लान टू रिवर्ट टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, कौन सी स्टेट ने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर लागू कर देंगे दोबारा से। ये पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान का डिसीजन आया था एंड अब पंजाब का ये डिसीजन आया है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है कि जो उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटायरमेंट के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा एवरी मंथ, ओके। विच इंडियन स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफर मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी लैंग्वेज, इट इज़ मध्य प्रदेश, वहाँ पे MBBS की हिंदी की बुक्स भी लॉन्च करी अमित शाह ने। एंड अब सेकेंड स्टेट बन जाएगी उत्तर प्रदेश, जो जिन्होंने कमिटी यानी ये सब कुछ बना दिया। एट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च MBBS टेक्स्ट बुक्स इन हिंदी, ओके। नेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट लीडर, इट इज़ बुर्किना फासो के हैं ये, आंसर इज बी इब्राहिम तरोर। आगे चलेंगे, कौन से JNK के अंदर गुज्जर्स और बैकर वालास को
स्मार्ट कार्ड्स प्रोवाइड करे गए हैं जिसके थ्रू, बिकॉज ये नोमैड्स हैं, नोमैड्स मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी जो ये शीप्स एंड ऑल को लेकर जाते हैं इधर उधर, तो हेल्प करने के लिए नेविगेशन इनका पूरा देखेंगे. तो आपको पता होना चाहिए किसकी हेल्प करने के लिए, कौन सी कम्युनिटीज हैं ये. द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द क्रिएशन ऑफ वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स इन द डैश विच विल ब्रिंग ऑल वेपन सिस्टम ऑपरेटर ऑफ द फोर्स अंडर वन रूफ. This is the first time since independence that a new operational branch is being created. तो weapon system branch आ जाएगी जिसके अंदर सबको training होगी कि भाई कौन सा weapon कैसे चलाना है. Indian Air Force के अंदर ये branch आ रही है. Answer is B. Name the bridge linking the Russian mainland to the Crimean Peninsula जो उड़ा दिया गया है, उसका नाम है Kerch Strait. This is very very important. वो 2018 के अंदर inaugurate किया था, 19 किलोमीटर का ये ब्रिज था, ठीक है. Name the German foreign minister who called the engagement of the United States in solving the Kashmir dispute. Germany वालों ने बोला इंडिया को भी तुम्हें तुम्हें UN को इंक्लूड करना चाहिए कश्मीर वाले डिस्प्यूट पे. तो हमारे मिनिस्टर्स ने बोला अना लेना बेरबॉक. वो कहते हैं अना लेना और बोलना मत. तुम्हें पता तुम क्या बोल सकते हो, पाव मत करना. वो कहते आना लो, आना चलता था ना पहले पहले ज़माने में, पैसे आना होते थे. तो इंडिया ने क्या बोला, आना लेना और बातचीत बंद, चुप कर जाओ. दैट्स इट गाइज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड येस दैट्स इट. एंड ऑल्सो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं अपना पूरा का पूरा, तो पिछले वीडियोज और अगली वीडियोज देख लेना. MCQ डेली न्यूज पेपर एनालिसिस अटेंड करो, बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर प्रिपरेशन विद रिगार्ड टू करंट अफेयर्स. अपने नोट बनाओ, वही एंड में काम आते हैं. कोई भी रिवाइज करवाए, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. आपके अगर खुद के नोट्स हैं उसमें से आप रिवाइज करते हो, तो दे आर द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स. ओके, हैप्पी दिवाली. आई होप यू हैव वन ऑफ द बेस्ट दिवाली. 15 मिनट रह गए हैं दिवाली के अंदर. हैप्पी हैप्पी दिवाली. आई होप टू गेट एवरी थिंग दैट यू ड्रीम ऑफ, दैट यू वॉन्ट, एंड गॉड ब्लेसेस यू विद ऑल द सक्सेस इन लाइफ. थिंक पॉजिटिवली एंड या स्टे ब्लेस्ड. Ma'am, I'm very depressed. I'm feeling like I have prepared nothing for class. Please make a video on how to prepare from scratch. And one more thing, Vijay, I am understanding. Can I read Pratyogita Darpan? Yeah, देखो अगर तुमने The Hindu follow नहीं किया है तो तुम इस time पर Pratyogita Darpan पढ़ोगे तो it won't be of that help. Risk रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है. और बोलो मैम, आपके स्टूडेंट्स NLSAT क्लियर किए हैं. और राघव गुप्ता, आप वहाँ पे जाके यू नो टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो. आई थिंक जो 2022 का पहला रिव्यू आपको दिखेगा लॉगरी के, एट IM लॉगरी इंस्टाग्राम पे जाओगे तो पहला रिव्यू NLSAT का दिखेगा. तो इस बार का जो पहला बच्चा हमारा निकला, IIT खड़गपुर पहले निकलते हैं, ऑब्वियसली IIT खड़गपुर का रिज़ल्ट पहले आ जाता है साल में, बट NLSAT के इस बार बहुत बच्चे हमारे निकले हैं लॉगरी के. तो येस, देयर आर स्टूडेंट्स who are logarithms and they are in NLS, and they are in NLSIU Bangalore, right? Aur puchho aap. Ma'am, please make a video on how to prepare from scratch. Okay, I will do that. Done, pakka. Bhi kya hai na, ye Diwali ka scene chal raha tha, to tha nahi to sab kuch ho jayega. Laptop ulta ho gaya. Okay, aur bolo. अभी तो दिवाली पर से साफ, यार मेरा भी यही हाल है. बस साफ सफाई मेरे घर पर हो रखी थी, मेरे को कुछ और काम करना था. दादो ये सब कुछ सबके साथ होता है, इट्स ओके. तुम्हें क्या लगता है मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस क्यों कर पाई? मार्केट जाना था, कैंडल्स बनाई, उनको फिर लगाया, फिर आधी से ज़्यादा कैंडल्स में टनलिंग हो गई, बहुत ही प्रॉब्लम है. मैम स्टैटिक जी के फॉर A-Lit एंड क्लैट, तो यार स्टार्टिंग थी कि क्लैट के लिए करने की कोई ज़रूरत है, करंट अफेयर्स ही करके जाने होता है. तो कट अपनी गाइडलाइन तो बोला है A-Lit के अंदर पहले 2019-21 तक आपको स्टैटिक जी के आती थी. 2022 के अंदर सिर्फ दो क्वेश्चन हैं जिनको हम कह सकते थे स्टैटिक जी के, बाकी सब करंट अफेयर्स में से. शाम के लिए सिर्फ और सिर्फ कम ही दिन रह गए हैं, तो आप करंट अफेयर्स पर फोकस करो, ना कि स्टैटिक जी. जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करो, ठीक है. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू.
लीगल मंथली सीए पीडीएफ प्लीज प्रोवाइड करो बैकलॉग का जैन से अगस्त। देखो जैन से लेकर हम मई तक कर चुके हैं ठीक है, और सितंबर का एक पार्ट आ चुका है। देखो यार ये मेरा प्रॉमिस है कि सबसे पहले बैकलॉग क्लियर होगा ठीक है, और बैकलॉग जल्दी क्लियर होगा। एंड पहले मुझे लगता था लीगल ठीक है कर दो नहीं कर दो, बट रिसेंटली जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिविजन सीरीज करा और 2021 के सारे पीडीएफ खोल कर खुद पढ़े, देन आई रियलाइज यार क्लैट एलएलबी क्लैट एलएलएम का पेपर एट का पेपर, मतलब क्लैट एलएलबी तो बहुत बहुत लीगल करंट अफेयर्स में से आया था, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर अस। ऑलरेडी विडोज हो रही हैं, फ्री के अंदर हो रही हैं, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हें एक बार देखनी है, नोट्स बनाना, उनको रिवाइज करना राइट, तो वो मैं लेकर आऊँगी फॉर श्योर। हम लोगों ने जान टू मेक कर लिया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सारा का सारा कवर करेंगे फॉर श्योर, एग्जाम से पहले कवर होगा, मेरा मेन फोकस उस पर ही रहेगा, पहले वो कवर करेंगे फिर कुछ और करेंगे। ओके आई एल ट्राई टू फाइंड, इफ आई एम नॉट एबल टू फाइंड आई एल ट्राई टू गेट यू समथिंग जिससे कि तुम्हें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या मुशियान खान और बोलो। ठीक है आई थिंक सारे क्वेरीज हो गई हैं, अब हम मिलेंगे कल, न्यूज़पेपर आता है एंड अगर कल आता भी होगा तो आई ट्राई कि मैं कर दूँ सुबह या कुछ भी, पेंडिंग में नहीं रखूँ बिकॉज बहुत पेंडिंग यार, सब लेजिट पेंडिंग काम हो गया है। ठीक है चलो बाय बाय, हैप्पी दिवाली, हैव अ ग्रेट वन, इन्जॉय योर डे टुमारो, परसों से पढ़ना स्टार्ट कर दे ठीक है। ओके यार देखो नहीं पढ़ोगे तो आई थिंक अभी तुमने कितना सिलेबस कवर कर लिया ये मुझे बताओ, इन चार सेक्शन बता दो क्या क्या तुमने टॉपिक्स कवर कर दिए। हैप्पी दिवाली शशांक। ओके मुशियान खान एंड आई डू अ वीडियो वेरी आई टेल यू हाउ टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच एंड व्हिच आर द टॉपिक्स दैट यू शुड फोकस ऑन। ओके सी यू सून, बाय एवरीवन, अ वेरी हैप्पी दिवाली, बाय एंड टेक केयर।